किचन। तो आज हमारे बेटे का जन्मदिन है, तो हमारे बेटे को खाने में पसंद है छोले और भटूरे और नान, ये तीनों चीजें उसे बहुत पसंद है। तो आज मैं बना रही हूँ मेरे बेटे की मन पसंद छोले, तो छोले मैंने बना लिए हैं, और अब बना रही हूँ भटूरे। तो भटूरे और नान का आटा हम एक ही तरह का सानेंगे, मतलब एक ही तरह का लगाएंगे, हम अलग अलग नहीं लगाएंगे। तो ये मैंने मैदा लिया है, तो सबसे पहले हम इसमें एक गड्ढा करेंगे, और हम भटूरे और नान थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। तो ये मैंने गड्ढा कर लिया, और अब इसमें डालेंगे ये दूध। तो ये दूध गर्म है, ठंडा दूध नहीं डालना है, हमें गर्म दूध लेना है। और इसी में डाल देंगे ये दही, और अब डालेंगे इसमें ये बेकिंग पाउडर है, ये डाल देंगे, बेकिंग पाउडर है फ्रेंड्स, चीनी ये डाल देंगे, थोड़ा सा नमक, और ये थोड़ा सा बेकिंग सोडा है ये डालेंगे, और अब इसमें थोड़ा सा तेल डाल देंगे, और इसमें डालेंगे ये मेथी। मेथी डालने से बहुत अच्छी नान या भटूरे हमारे बहुत अच्छे बनेंगे। तो अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे, सारी चीज़ों को पहले मिक्स कर लेंगे, इसके बाद हम पानी डाल के इसमें एक सॉफ्ट डो लगा के तैयार करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं, बहुत ज़्यादा ढीला नहीं। तो ये देखिए मैंने मिक्स कर लिया है, और अब इसमें हम पानी डालेंगे, तो जितना ज़रूरत पड़ेगी उतना ही पानी हम डालेंगे। तो मैंने वही दही के कटोरे में पानी डाल लिया था, और इसको डो लगा के तैयार कर लेते हैं हम। तो ये देखिए मैंने डो लगा के तैयार कर लिया है, बहुत अच्छा डो लग के तैयार हुआ। इसको मैंने पटक पटक के इसको कम से कम 10-12 बार पटक के इसकी जान निकाली है, और अब इसको हम इस तरह से करते हुए इसको इस पॉलीथीन में भर लेंगे। ये पार्ले जी की पॉलीथीन है, इस तरह से इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए अब इसको हम शांति से रख देंगे इसमें। तो अब हम बनाना शुरू करते हैं अपनी नान। तो इसे हमने भूत के रख दिया था, और ये बढ़िया सा सेट हो गया है, तो हम थोड़ा थोड़ा डो लेके बनाएंगे। देखिए कितना खींच रहा है, अगर इस तरह से देखें तो, और बाकी का डो हम रख देंगे। तो इस तरह से करके तो नान बनाएंगे हम तवा में, लेकिन हम तवा में ही सेकेंगे इसको, हम उल्टा के तवा नहीं सेकेंगे। और इस तरह से पेड़ा निकाल लेंगे इस तरह से, और इसको भी इस तरह कर देंगे। इस तरह से करने से अंदर एयर भर जाती है, तो इसको रख देंगे और इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इसको पहले हाथों से बढ़ा लेंगे इस तरह से, इसके बाद हम बेलन से बेलेंगे। तो ये देखिए मैंने इतना बढ़ा लिया है, और अब हम बेलन से बेल देंगे इसको। तो ये देखिए मैंने इस तरह से बेल लिया है, और अब इसमें हम पानी अप्लाई करेंगे इस तरह से, क्योंकि अब हम इसमें थोड़ी सी कुछ चीज़ें लगाएंगे, बढ़िया सा डेकोरेट करेंगे, देखने में अच्छा लगे, बच्चों को बहुत पसंद आता है। जहाँ तक छोटे बच्चे होते हैं ना, उन्हें ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। ये लगा दिया पानी, और अब हम इसमें देखिए क्या क्या हमने लिया है। सबसे पहले लगाएंगे इसमें हरा धनिया, तो मेथी पड़ी हुई है, तो आप चाहें तो हरा धनिया ना भी लगाएं। इस तरह से इसको बिठाल देंगे, चिपका देंगे मतलब। और अब इसमें लगेगा ये हमने मंगरेला लिया है, मतलब कलौंजी लिया है। आप चाहें कलौंजी नहीं खाते हैं तो आप काले तिल भी ले सकती हैं, ये डाल देंगे और चिपका देंगे इनको इस तरह से। और अब लेंगे ये सफ़ेद तिल, ये लगा देंगे, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और देखने में बहुत सुंदर लगता है। ये लगा दिया, और इनको अच्छे से चिपका देंगे, चाहे तो बेलन से इस तरह से कर देंगे तो अच्छे से चिपक जाएंगे, हमें जोर नहीं लगाना है, बस चिपकाना है। और अब इसमें लगाएंगे ये कुछ टूटी फूटी लिया है मैंने, इस तरह से चिपका देंगे इन्हें, ये बहुत सुंदर लगेगा देखने में। आप चाहें तो चुकंदर भी लगा सकती हैं।
तो ये हमारी नान तैयार हो गई है और अब इसको डालते हैं तवा में। तो तवा में डालने से पहले हम थोड़ा सा इसमें तेल लगा देंगे, बहुत कम, ताकि ये चिपके नहीं, वो तो चिपकेगी नहीं। तवा अच्छे से गर्म हो गया है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए हमको। और अब इसको उठाएंगे इस तरह से, तो हमारी टूटी फूटी है ना तो वो गिर भी सकती हैं, और इनको इस तरह से डाल देंगे। तो जो भी गिरी हुई हैं हम इसी में इस तरह से चिपका देंगे। इसको बहुत ज़्यादा गड़ाना नहीं है, बस ऊपर ही ऊपर चिपकाना है, जो निकल जाएंगे निकल जाने देते हैं और इसको सिक जाने देते हैं। तब तक हम दूसरी नान बना के तैयार कर लेते हैं। तो इसको भी इसी तरह से हाथ से बढ़ा लेंगे और उसी तरह से पूरा हम इसको बना लेंगे। पीछे से बढ़िया सा कलर आ गया है, सिक गई, तो इसको हम पलट देते हैं इस तरह से। तो देखिए कितना बढ़िया कलर आया है, और इसको थोड़ा सा दाब देंगे ताकि ये नीचे जो हमारे टूटी फूटी वगैरह लगी वो अच्छे से दब जाए, तो नीचे भी सेक जाती है। फिर हम पलट पलट के इसको अच्छे से सेकेंगे। इसको देखिए मैंने फिर से पलट दिया है, और हम इसको धीमी ही आंच में सेकेंगे इस तरह से, इस तरह से पलट पलट के तेज आंच में सेकेंगे। तो फ्रेंड अंदर से ये कच्ची रह जाएगी और बाहर से कलर चेंज हो जाएगा। तो इसी तरह से इसको धीमी आंच में सेकते जाएंगे और इस तरह से दबाते जाएंगे। तो ये वाली नान हमारी सिक चुकी है, तो इसको हम रखते हैं इधर और दूसरी वाली डाल देते हैं। तो ये जो छोटी छोटी बची हुई है इनको हम इसी में कर देंगे, और इसको भी इस तरह से उठाएंगे। ये गई जो हमारे गिरे हुए हैं, ये इसी में लगा देंगे और इस तरह से थोड़ा सा चिपका देंगे। तो इसी तरह से हम सेक लेते हैं इसको भी। तो ये भी हमारी नान सिक चुकी है, देखिए जगह जगह इनमें स्पॉट आ चुके हैं। चाहे तो एक बार और पलट के इस तरह से दाब दाब के सेक दे, वैसे ये सिक चुकी है, ये कहीं से भी कच्ची नहीं रही है। बहुत अच्छा कलर इस तरफ भी आ गया है और उधर भी सिक गई है। तो इसको निकाल देंगे, इसे भी इसमें रखते हैं, और हमारी ये रंग बिरंगी नान बन के तैयार हो गई हैं। ये बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। अब आप इसमें घी लगाइए, बटर लगाइए, मक्खन लगाइए, कुछ भी लगाइए, ये बहुत अच्छी लगेंगी, बहुत टेस्टी लगेंगी। बच्चों को, छोटे बच्चों को बहुत पसंद आती है, मेरा बच्चा तो बड़ा हो गया है। देखिए कितनी अच्छी बन के तैयार हुई है फ्रेंड्स। और अब हम चले अपने बच्चे को भोजन कराने, भटूरे मैंने बना लिए हैं। तो हमारी नान अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, तो लाइक शेयर कमेंट करना, हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना, एंड बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।